हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम एक वीडियोस बनाने जा रहे हैं, और किसके ऊपर, कि अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि इन शेयरों में खरीदने का मौका आ गया है। तो अभी ये दूसरे शेयर्स हैं जो जिनमें खरीदने का मौका आपको मिलता जा रहा है। ओके, जो शेयर गिरते जा रहे हैं और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, तो उन्हीं शेयर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रखी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो कहाँ है, तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। तो आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट करिए। ओके, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपको बनाता रहूँ। तो आइए हम चलते हैं पहले स्टॉक्स के बारे में। मैं बताना चाहता हूँ किससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये वीडियो है आईटी स्टॉक से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ओके, निफ्टी ने भी डेली कल भी एक न्यू हाई बनाया था, आज भी एक न्यू हाई बनाया है। बट 2 दिन से कंटिन्यूअसली कौन गिर रहा है? आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं, इसका रीज़न भी हम जानेंगे आगे। बट जैसे कि आपको पता है कि आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस स्टॉक्स को बेच दें। इसका मतलब है कि अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही आपको पैसा बना के देगा। और बिना आईटी स्टॉक्स के आप मल्टी बैगर की सोच भी नहीं रख सकते, और ना ही आप करोड़पति बनने की सोच रख सकते हो। आईटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आईटी स्टॉक्स ने करोड़पति बनाया है, और विद प्रूफ मैंने आपको बताया है। तो जैसे कि आपको पता है आईटी स्टॉक्स में गिरावट आती है, जैसे कोफोर्ज हो गया, ओके लगभग 5%, SCL देखिए लगभग 5 साढ़े 5% की गिरावट, इन्फो एज की देखिए 2.63%, इन्फोसिस को देखिए, इन्फोसिस लगभग 4% की गिरावट, LTI को देखिए 7.8% गया, सबसे ज़्यादा यही शेयर गिरा है, भागा भी यही था और गिरा भी यही है। माइंडट्री 4.28, एम्फेसिस 1.95, TCS 2.82, टेक महिंद्रा 5.9 और विप्रो देखिए 2.74। तो मतलब आईटी के जितने भी दिग्गज शेयर है, ये सारे के सारे शेयर धराशायी हुए पड़े हैं, और ये हमें ये बताता है कि अब बाय टाइम टू बाय और टाइम टू अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है टू बाय दीज स्टॉक्स। तो इन स्टॉक को खरीदने, तो देखिए इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। मैं केवल 5 बेस्ट स्टॉक्स बताऊंगा, सारी की बात हम करेंगे नहीं। देखिए इन्फोसिस नंबर वन ऑफ दैम है, ओके 1093 पे चल रहा है, लगभग 4% की गिरावट 42 रुपीज़ की, और अब 2 दिन से कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। ओके, तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, ये बेस्ट स्टॉक है, यही आपको पैसा बना के देंगे। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देखिए, अभी स्टॉक्स आया था 7 4 साल पहले, ओके, और देखिए 700 रुपये का शेयर था, 3,000 रुपये पे चल रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिए। ओके, उससे ईयर टिल डेट की बात करें तो देखिए 1900 रुपये पे चल रहा था, गिरा 1200 1100 रुपये यहाँ पे आया, और लगभग 3300 3400 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा था। इसी तरीके TCS की बात की जाए तो 2 3 साल तो ये शेयर चला ही नहीं था, बट अभी कुछ टाइम में, ओके अगर हम 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लें, तो 1900 रुपये का शेयर, ओके आपको यहाँ पर देखिए बीच में 2300 भी आया था और गिरा था, उसके बाद 2700 2800 2900 तक ये शेयर गया था। ऑल टाइम हाई देखिए 2885 का इसने हाई बनाया था, लगभग 2900 रुपये का, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आपको पता ही है पॉजिटिव ही रहना है। तो इस तो मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी, एक वीडियो कि किस तरीके से TCS ने 10,000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे तो 16 लाख रुपये हो गए होंगे, और 50,000 1 करोड़ रुपये। तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। SCL की बात करें तो SCL पे आप देख लीजिए 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न, लगभग 50-60 मतलब 60-70% के रिटर्न इसने भी दिए। कोरोना से पहले ये भी शेयर लगभग 600 रुपये पे चल रहा था, 400 रुपये पे कोरोना के बाद आया, और अभी 812। तो अच्छे मतलब आईटी शेयर्स ने रिटर्न मारा है, ओके अच्छे अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए, और लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी देखिए यहाँ पर बेहतरीन आपको नज़र आ रहा है। विप्रो की बात करें तो विप्रो तो आपको कहानी सुनी ही होगी, यूट्यूब पे भी डाल देंगे विप्रो की कहानी। तो 10,000 रुपये इसने 700 और 800 करोड़ रुपये बनाए, ओके 1,000 करोड़ रुपये बनाए। तो ये वो शेयर है, लो बीटा का शेयर है, कम भागता है, बट जब भागता है तो मल्टी बैगर रिटर्न देता है, सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी ये है, मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, तो इसकी तरफ आप ध्यान बना के रखिए। ये शेयर्स आपको गिरता हुए मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करते रहिए, और बाय ऑन डिप्स कर करके ये शेयर को खरीदिए।
और सभी आईटी, जैसे कि अभी आपको पता ही है, सारे के सारे शेयर धराशायी हुए थे। बट ये आईटी कंपनी के शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आए थे, इसके पीछे रीज़न क्या था? तो जैसे कि आपको पता है, सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए क्या ज़रूरी है? आईटी सॉफ्टवेयर। तो उसमें ये ही इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स है, जो कि आपको अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, और यही शेयर वो है जो आगे भी आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसलिए इन शेयर्स की तरफ वीडियो बन नज़र बना के रखिएगा। ऊपर आई बटन पे एक लिंक दूंगा, ओके, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इन इस क्यों कह रहा हूँ। इनमें से तीन चार स्टॉक्स ऐसे हैं जो डेट फ्री स्टॉक्स हैं, कभी भी बोनस दे सकती है कुछ कुछ कंपनी, ओके, बाई बैक भी काफ़ी कंपनीज बीच बीच में लाई हैं। तो इन सभी शेयर की तरफ नज़र बना के रखिएगा, और जितनी डिप्स पे मिलता है, ओके, गिरता है तो डरना नहीं है, खरीदना है और बाई ऑन डिप्स करते रहिएगा। तो अच्छे अच्छे शेयर्स ही आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, 5 से 10 साल रख लीजिएगा, मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आई बटन पे उस वीडियो को देखना मत भूलेगा। और अब आ जाते हैं रीज़न की तरफ कि क्यों ये स्टॉक गिर रहे हैं। तो जैसे कि एक कल की जब तक टाइम में एक न्यूज़ आई थी, ओके, ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे यूएस के ने पी फाइजर कंपनी न्यूज़ दी थी कि पी फाइजर ने एक वैक्सीन तैयार कर लिया जो 90% इफेक्टिव है, जिस वजह से फैंग स्टॉक, फैंग मतलब फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, मतलब एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ही के शेयर ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यही स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स पिछले 5 6 7 महीने में दिए हैं। और यही अगर ये न्यूज़ आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, और वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन जो वर्क फ्रॉम होम है और वो ख़त्म हो जाएगा, और वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाएगा तो ये कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी, आईटी कंपनी को भागना ही है। विदाउट आईटी तो इस वर्ल्ड को हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ओके, समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये फैंग स्टॉक गिर रहे हैं, ओके। देखिए, डो जोन्स ने भी कल अच्छा खासी जंप मारी थी, 800 900 पॉइंट्स की, ओके। हमारा मार्केट भी कंटिन्यूसली 2 दिन से हाई पे हाई मारे जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स आपको बाय एंड डिप्स में मिल रहे हैं, जितनी गिरावट में मिल रहे हैं, तो आप इन्हें रखिए अपने पोर्टफोलियो में, खरीद के रखिए, ओके, गिरते रहेंगे और जितना गिरे उतना खरीदेंगे, ये प्लान बना लीजिए। और आपको मिलता है ये कोई भी स्टॉक, सबसे अच्छा स्टॉक TCS, इसके बाद इन्फोसिस, LTI, SCL, विप्रो, ओके, ये सारे शेयर्स हैं, इन्हें खरीदते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, 5 से 10 साल के लिए मल्टी बैगर और करोड़पति बना देंगे ये शेयर। और इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे एक लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा, तो उसमें आप इसका फ्यूचर और सब कुछ, इसका फंडामेंटल, इन सभी शेयर, 5 शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। तो आपको एक ओवरव्यू और एक आइडिया आ जाएगा कि आपको मैं क्यों इन शेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ओके, तो इसे लाइक कमेंट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंफर्म कर लीजिए, और एवरी डिप्स पे ये शेयर खरीदते रहिए। फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न मैं कह रहा हूँ लिख के कि ये आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरीके के बेहतरीन रिजल्ट आपको आपको वीडियोज़ मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।